महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को नगर निगम के गेस्ट हाउस में कार्यकारी समिति की बैठक सकुशल संपन्न हुई। बैठक में महानगर के विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा किया गया, जिसमें कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा ठेला की अनुपलब्धता के कारण सफाई कार्य सुचारू रूप से न होने की शिकायत की गई, जिस पर निर्णय लिया गया कि शीघ्र ठेला उपलब्ध कराया जाए। रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था पर जो बीट निर्धारित की गई है उसमें कुछ स्थान और बढ़ाने की कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया तथा सदस्यों द्वारा यह अनुरोध किया गया कि जो भी सफाई ठेकेदारी रात्रिकालीन सफाई में सफाई कर्मी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं उनका कार्यादेश निरस्त करते हुए दूसरे को कार्य दिया जाए। प्रत्येक दशा में जितनी संख्या के अनुसार बीट निर्धारित की गई है उसे कराते हुए सफाई कराया जाए। महानगर में खराब हैंडपंपों को निर्बोर एवं मरम्मत कराने हेतु जल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि शीघ्र सभी खराब हैंडपंप ठीक कराएं। इस्लामपुर शिव मंदिर तुरहा टोला में खराब नलकुंभ को शीघ्र ठीक कराया जाए तथा यदि किसी के द्वारा कटआउट आदि से छेड़छाड़ या चोरी की जाती है तो संबंधित के विरुद्ध FIR दर्ज कराकर कड़ी कार्रवाई की जाए। मिनी नलकुंभ पर कोई ऑपरेटर तैनात न होने के कारण समय से न चलने एवं खराबी आने की शिकायत बार बार मिल रही है, जिस पर कार्यकारिणी सदस्य के अनुरोध पर निविदा में यह शर्त डाली जाएगी कि बड़े नलकुंभ का संचालन करने वाले ऑपरेटर भी मिनी नलकुंभ का संचालन करेंगे, साथ ही नॉन टेक्निकल कर्मी नलकुंभ नहीं संचालित करेगा, यह भी शर्त निविदा में डाली जाएगी। पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु EESL कंपनी द्वारा 70 वाट के बल्ब को बदलकर 35 वाट का बल्ब मुख्य चौराहे पर लगाया जा रहा है तथा जो बल्ब लग रहा है वह सप्ताह भर भी नहीं चलते हैं और खराब हो जा रहे हैं। इस कंपनी के विरुद्ध पार्षदों द्वारा दिए जा रहे शिकायत का संज्ञान लेकर कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए तथा बिना कार्यकारिणी समिति के संस्तुति के कार्य ठीक होने का प्रमाण पत्र न दिया जाए। बजाज पार्क में अवैध रूप से कर दुकान को पूर्ण रूप में आवंटित दुकान को ध्वस्त कराई गई है, उस व्यक्ति को दुकान दिया जाए। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, उपसभापति जितेंद्र सैनी, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा सहित कार्यकारिणी सदस्य और अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आज से शुरू हुई है कि पहले शुरू हुई तो है? पहले भी, लेकिन बीच में जो फिटिंग हुआ है ठेके वाला, उसके वजह से थोड़ा व्यवस्था है। 30 स्थल चिन्हित किए गए हैं जिसमें से 28 स्थल फाइनल हो गए हैं। तो कितने आदमी रखे हैं? ये उसकी सूची बंद नहीं था, बीच में थोड़ा रुक गया था कुछ दिनों के लिए। एक ठेकेदारों को दिया गया है काम, पूरा लिस्ट है। मिसाल का नगर कार्यकारी देख रहे हैं, रूट हम लोग को बता दीजिए और कर्मचारी की संख्या बताइएगा। रूट संख्या कॉपी मिल रही है। दो अधिकारी हमारे चूंकि वो अस्वस्थ चल रहे हैं, बाईपास का ऑपरेशन तो मान लीजिए हमारे पास दो पार्ट होगा। पहले पार्ट में हम चालू करवा देंगे, दूसरे पार्ट में जो हमारा वेस्ट टू एनर्जी कलेक्शन हो रहा है वहाँ से पूरे नगर में डोर टू डोर कलेक्शन का टेंडर निकाल दिया गया है। उसमें वो बहुत भारी भारी मशीनें लाएंगे, ऑटोमेटिक मशीनें उनकी रहेंगी, उनका काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन जब तक वो नहीं आते हैं तब मेरी लाल के हसीन सबने मत दिखाऊंगा कि मैं मारा भी जाओ रो भी ना, एक मुसलमान इसमें है 18 पार्षद है तो बता दीजिए। नहीं पढ़ रही तो एक मुसलमान को पार्षद रखा जाए। माननीय महापौर, एक मुसलमान के ऊपर अगर घटना घटित हो जा रही है, ब्राह्मण में नहीं है, अगर ऐसी बात ब्राह्मण भी होना चाहिए। ठाकुर रही है, यादव रही है, बुजुर्गों ने ब्राह्मण क्यों नहीं रहेगा? ठाकुर कहाँ है भाई उसमें? ट्यूबवेल का मोटर भी लगातार चलने से जल जाता है, जो कि हमें ही बाद में बनवाना पड़ता है। तो इन फिजूल खर्ची से हम बचे, इसलिए ट्यूबवेल का ऑपरेटिंग समय अनुसार हो, जिसको हम सुरक्षित और ज्यादा दिन तक चला सकें।
तो उस मिनी ट्यूबवेल के संचालन के लिए हमारा एक सुझाव था कि पास के जब तक हम लोग उसमें नए कर्मचारी नहीं रख पा रहे हैं या नए टेंडर निविदा इत्यादि नहीं हो पा रही है, तो हम लोग बगल के ही जो मिनी ट्यूबवेल संचालित कर रहे हैं ऑपरेटर्स, उनसे ही उसको भी ऑपरेटिंग करा लिया जाए जब तक की नई व्यवस्था नहीं हो पा रही। निर्णय भी इसमें आ गया है कि मिनी नलकूप का संचालन करीब के बड़े ट्यूबवेल संचालक से ही कराया जाए, लेकिन अभी हमको लगता है कि 4 महीने 5 महीने नहीं पास में रहते हैं लगभग जो भी आस पास में उसमें सुरक्षित सहमत है सभी मायने बिल्कुल सहमत टेंडर करने जा रहे हैं। नहीं सहमत अभी जब तक टेंडर नहीं कर रहे तब तक बगल वाले से संचालित ना उसका कनेक्शन हो पाया नहीं उसका पानी जो है ट्यूबवेल को से भी बैठक में कई बार डीएम साहब को कहा कि आपके जो ट्यूबवेल जहां परमानेंट कर्मचारी उसका छोड़ दी जाए तो जितने भी ट्यूबवेल आउटसोर्सिंग से चल रहे हैं वो कौन चला रहा है, उसका समय क्या है चलाने का, उसकी टेक्निकल योग्यता क्या है और आपने किन किन शर्तों पर दिया हुआ है। 3 बैठक की बोर्ड की बैठक भी गई और आज तक अभी तक पता नहीं देने का कोई मानक नहीं है। अब तक जो होता रहा ठीक है, लेकिन नॉन टेक्निकल व्यक्ति और टेक्निकल व्यक्ति में उसकी शर्तें क्या है, जो लड़का ट्यूबवेल चला रहा है कितने घंटे काम करता है, कितने शिफ्टों में काम करता है और कौन कौन से लोग किस किस ट्यूबवेल ऑपरेट कर रहे हैं प्राइवेट, आखिर आज तक सूची 3 बैठक में क्यों नहीं दी। जितने भी प्रकार के ठेके होते हैं जो उनकी निविदा आपके प्रकाशित कराई होगी, जिनकी निविदा के शर्तें और जो एग्रीमेंट हुआ होगा उसको नगर निगम की वेबसाइट पे आप डाल दीजिए ताकि कोई भी देखना चाहे वो वेबसाइट पे डालना अलग चीज है। सदन में तीन बार से मांग रहा हूं उपलब्ध बैठक का मतलब क्या रहेगा, सदन पे भी दे रहे हैं एक रहे कि सभी लोग देखें उसको, आपको उपलब्ध भी करा दें। आपको कब उपलब्ध कराएंगे आप ये बताएं, 3 बैठक भी चुकी है और इसके बाद हो सकता है मुलाकात में राज्य में पता निकल जाएंगे नहीं, इसके बाद एक कार्यकारिणी की बैठक कब की लाएंगे, कार्रवाई की जाए और जो उनका कंपनी से एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट को तत्काल जो है उसको भी हटाया जा रहा है, वो दुकान जो बंद चल रही है दुकान में शिफ्ट होना था दुकान गलत चल रही है उनको भी पता नहीं याद नहीं आ रहा है, उसको भी हटवाने की कार्रवाई चालू।